हम यही कहेंगे कि श्रद्धालुओं के अंदर भीड़ नहीं है, ये यहाँ सभी लोग पूजा करने आए हैं और ये हमारे शहर के जनता जनार्दन है, हमारे गार्जियन है, हमारे भाई है, हमारे बहनें हैं, सब यहाँ आके पूजा पाठ कर रही हैं भगवान शिव भगवान के दरबार में। और कोरोना काल से मंदिरों में लोग पूजा करना छोड़ दिए थे, इसलिए हमको लग रहा है कि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग भी काफ़ी संख्या में भीड़ देख के हर्षोल्लास मंद में भर रहा हुआ है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हर मंदिरों में भीड़ हो और लोग दिल से जाके बाबा की मंदिर में पूजा करें और हम भी जाके पूजा करें। संदेश यही रहेगा कि आप सभी लोग हमारे शहर के वासी जनता जनार्दन मिलजुल के पूजा पाठ कीजिए और इसको पूजा का रूप जो एकदम मन से पूजा किया जाए, ना कि इसको मनोरंजन का साधन बजाए। अभी लग रहा है जहाँ भी हम गए हैं वहाँ वाकई में पूजा किया जा रहा है मन से, वहाँ हम भी पूजा किए हैं और काफ़ी भीड़ देखने में मिल रही है और वहाँ के जो भी लोग कार्यकर्ता लोग हैं, जो वहाँ के लोग देख रेख कर रहे हैं, वो लोग भी सजग हैं कि वहाँ भीड़ ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम उन लोग का भी अभिनंदन करेंगे और उन लोग को धन्यवाद देंगे कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से उस मंदिर को व्यवस्था में लगे हुए हैं और उसके लिए हम राजन सा वार्ड पार्षद जी को 5000 रुपये का इनाम देंगे जो अपने हाथों से यहाँ के कार्यकर्ता लोग को देंगे व्यवस्थापन। ये इसलिए कर रहे हैं ना कि लोगों के अंदर एक उत्साह है और ये जो यहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं आगे और मन से व्यवस्था करें और काफ़ी मेहनत करें। हम अपने तरफ से अपने भाई लोग को एक इनाम के तौर पे जो सहयोग राशि हमको देना चाहिए वो जो हम दिए हैं। ये जनता जनार्दन का व्यवस्था की गई है, हमारे यहाँ के प्रसाद का, ये हमारे राजन शाह की व्यवस्था है, हमारे भाई लोग की व्यवस्था है, जो यहाँ सारे लोग की व्यवस्था पर्सनली मेरा नहीं है, अब ये लोग कह रहे हैं लेकिन ये सबकी व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ है,
अब भीड़ की कोई चेहरे नहीं होती है, इसीलिए हम कहेंगे पूरी सिवान जनता यहाँ आई हुई है। उनको थोड़ा सा बहुत खुशी है हमको कि हम आए हैं और हम भी पूजा पाठ किए हैं, लोग भी कर रहे हैं, यहाँ के लोकल वासी और बाहर के भी लोग आके पूजा कर रहे हैं। हर मंदिरों पर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है, तो ऐसे लग रहा है। ये 15 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, ये चौक चंपती सब सीसी कैमरा के अंदर में लोग हैं और प्रशासन भी मेरा मदद कर रही है। एसपी साहब जो नया आए हैं वो पूरा प्रशासन के अपना पूरा बाउंड्री में लगाए हुए हैं, कोई अभी तक ले कोई अच्छा ढंग से सब निभा रहा है। 15 दिन से ही चल रहा है, आज मैंने सफल हो गया। अभी तक ले एकदम 5 लाख लोग से कम नहीं पहुंचे अभी तक ले, 2 बजे भर से बहुत ज़्यादा व्यवस्था एकदम, 2 लाइन लगाया गया है, एकदम आराम से लोग जा रहे हैं। जल चढ़ाकर दक्षिण पड़े साइड से निकाल दिया जाता है, वह भंडारा का आयोजन किया गया है। कितना श्रद्धालु अभी तक आ गए, क्या अंदाजा लग पा रहा है? अरे 2.5 लाख तो सवेरे 9-10 बजे हो गया था, उससे अब ज़्यादा आप चलते रहिए। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? एकदम सिवान वासियों लोग एकदम शुभकामना देना चाहते हैं कि कोरोना के हाल में मंदिर बंद था, उसके 10 गुना लोग यहाँ पहुँच गए हैं इस बार। जिस तरह से आज श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा हुआ, इससे पहले भी कभी उमड़ा हुआ था? नहीं, इतना कबो नहीं हुआ था जितना आज लोग आए हैं। एकदम हाँ, परेशानी तो हो ही रही है, क्या करेंगे, उसी तरह से निकाल रहे हैं हम लोग, प्रशासन के अपना साथ एकदम हम लागे हैं। राजन शाह, वार्ड पार्षद महादेवा शिवान, व्यवस्थापक शिव मंदिर महादेवा। जी बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और चूंकि मैं यहीं की निवासी भी हूँ तो इसलिए ये मेरे लिए ये दुगना महत्व है और मेरी तरफ से सिवान के सभी जिलावासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ये पर्व शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, यही मेरा अनुरोध है। देखिए, इसकी शुरुआत जो है एक कविता के माध्यम से करना चाहूँगा। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बढ़िया यह धरती, पर अपनी माँ अपनी अमित प्यार है जो करती है। इच्छा है इस जन्मभूमि पर सरसठ बार जन्म ले हम, सरसठ बार शिव जी की सेवा में अपना जीवन दे हम। शिव जी एक ऐसे हमारे ईश्वर हैं जो कि अंतरात्मा से शक्ति मिलती है और हम लोग किसी भी कार्य को कर सकते हैं। मैं तो जन्म इसी स्थान पर हुआ, मेरा घर जो है शिव मंदिर के जस्ट पीछे है। जब से जो चीज़ आप बोलिए यहाँ पर वो पूरा होता है। पंचमुखी शिव जी का यहाँ पर स्थान है। सर तैयारी तो जैसे यदि 1 साल कंप्लीट होता है तो 2 साल का हम लोग सोचते हैं कुछ नया करें, तैयारी होती है, बट लास्ट 1 मंथ हमारा बहुत ज़ोर शोर से तैयारी होता है और हम लोग मतलब सफाई पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं उनको एक नया अनुभूति मिले, उनको ये मतलब इस तरह का एक फीलिंग आया कि हम अच्छे जगह पर आए थे, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इस तरह का हम लोग ध्यान देते हैं। सर सर दिन प्रतिदिन जो है ना हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, है ना जी। तो हम लोग नया मंच समाज का आईना होता है, जो मंच पे होता है वो समाज दिखाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नया करें और दिन प्रतिदिन जो है भीड़ बढ़ते जा रही है। इनमें मुख्य जो हमारे व्यवस्थापक हैं वार्ड कमिश्नर राजन शाह हैं, उनके अलावा समिति के सारे लोग हैं, पूरा महादेवा के लोग हैं, पूरे सिवान के लोग हैं, शिव भगवान का आशीर्वाद है, सारे लोग हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार दिल्ली से आए हुए थे जो कि बेसिकली रहने वाले तो सिवान के बट दिल्ली से आए हुए हैं, तो मुझे लगता है बिहार नहीं पूरे देश से हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, है ना। यहाँ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो आप बोलिए वो पूरा होगा। अब ऐसा कुछ मत बोलिए कि मतलब जिसका निगेटिव हो, अब हम आपका बोले कि 5 कट्टा जमीन हम लिखवा लें, ये संभव नहीं है। सच का सामना करना पड़ता है, जो भगवान से आप अच्छे दिल से बोलिए वो पूरा होता है और वो पूरा हुआ है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं कब मेरा परिचय, मेरा नाम अश्वनी मिश्रा हुआ, मेरा मकान शिव मंदिर के जस्ट पीछे, मैं यहाँ का निवासी हूँ।
यहाँ हर साल की बात ही, इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन व्यवस्था इस समय प्रशासन बहुत अच्छा की है। लाइन लगा कर लोग जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, आराम से जल चढ़ जा रहा है, भगवान का दर्शन भी हो जा रहा है। जो भी यहाँ के लोग हैं, जो लोग भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं प्रशासन या स्थानीय लोग, काफ़ी लोग परेशानी से हो रही है? देखिए भीड़ भाड़ तो होता है तो ज़्यादा तो परेशानी तो होती है, लेकिन यहाँ सराहनीय है, ये राजन शाह जी हैं, यहाँ के पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं, ये भी लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हाँ, पहले तो 2 साल से तो कोरोना का ही था, लेकिन 2-3 साल बाद इतना ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु आए हैं वो उनसे उनसे मैं निवेदन करूँगी कि शांति बनाए रखें और भगवान को दर्शन करें और सबको। रंजना श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 13 की पार्षद। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, प्रत्येक साल की भांति उससे भी बढ़िया अरेंजमेंट इस साल प्रशासन के द्वारा हम देख रहे हैं कि महिला पुलिस भी बहुत अच्छे संख्या में है लोग, और बहुत अच्छे ढंग से पंक्ति में लगकर लोग लाइन में लग रहे हैं, कहीं कोई भीड़ नहीं है, और सभी भक्तजन बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि मंदिर के अंदर भी कहीं कोई भीड़ नहीं है। क्या लग रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरे सिवान शहर के लोग तो आते ही, अगल बगल के पूरे गांव के लोग भी आते हैं, अब तो नगर से क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, मैंने पूरे हम समझते कि 2.5-3 लाख लोग तो प्रत्येक साल आते ही होंगे, इस साल जितना लग रहा है उसके अनुसार संख्या बढ़ेगी ही। बगल में सुहागरा मंदिर, सुहागरा धाम है, फिर से सिवान के बगल मंदिर महेंद्र नाथ धाम है, सुहागरा मंदिर और बाबा महेंद्रनाथ मंदिर दोनों मंदिर यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ भी लोग जाते हैं, लेकिन ये भी जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ बताया जाता है कि ये पंचमुखी मंदिर धरती से ही निकले हुए हैं और इनका बहुत महत्ता है, और इनकी भी बहुत संजोग से हमने भी अपनी मैडम को यहीं देखा था संजय श्रीवास्तव, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा शांति सदस्य सिवान। बोली कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भावनाथ मंदिर नया बाजार सिवान से हम पंडित श्री सुमन पाठक जी बोल रहे हैं कि व्रत जो व्रत का जो व्रत का है कि वो करें या ना करें, व्रत का अनुशंसा बना हुआ है, तो आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के तो लोग व्रत करते हैं, लेकिन एक उसमें जो अमावस्या तिथि प्रवेश कर जाती है 12:16 पर, कल था व्रत का दिन, कल व्रत सभी महिलाओं को मैं बोला था कि कल व्रत करना है, तो जिसको जो नहीं आता वो बोल जाते हैं पूजा कराते हैं हम आ कहते हैं और लोग, तो माताओं जी से मैं यही निर्देश कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो व्रत करना है अगर माता जी आज यदि व्रत करती हैं तो 12 बजे तक अपनी कुछ मुँह में ले लेना है, क्योंकि 12:16 से अमावस्या आ जा रहा है, तो अमावस्या में पारण का बहुत बड़ा दोष होता है, इसलिए इस मंदिर से मैं कहना चाहता हूँ तमाम माताओं बहनों को, तमाम भाइयों को, कि अगर व्रत कर रही हैं तो 12:10 पर कुछ ग्रहण कर लें, और नहीं तो अमावस्या आ जाएगी, और नहीं कल जो महिलाएं व्रत की हैं, कल जो महिलाएं व्रत की आज शिव जी का पूजा करके आज पारण कर रही हैं। मंदिर परिसर पर काफी, हाँ, इसलिए भीड़ पड़ा हुआ है कि 2 साल से तो कोई पूजाई पाठ नहीं हो रहा था, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल से तो कोई मंदिर पर आते तो नहीं थे, सिवान को हमारे SDO साहब ने साफ उन्होंने बंद करने का कर दिया था कि बंद कर, पंडित जी कोरोना काल से बचना है और मंदिर पर उनका मैं पालन कर रहा हूँ,
हमारे SDO साहब का हमारे वो इसमें मंदिर में हमारे पूरा टाउन के लोग आते हैं और यहाँ तक देहात से भी पपौर गोसाई छपरा कल्याणपुर फरीदपुर कहाँ कहाँ से लोग इस मंदिर पर आस्था के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर सिवान के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश है उनका परिवार खुशहाल रहे, मैं यही संदेश है उनके बाल बच्चा उनके कुछ परिवार खुशी मंगल रहे मंगलमय रहे। मैं यही कहूँगा कि उनका सारा परिवार मंगलमय हो। मैं भोलेनाथ से यही निवेदन करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा कि सबका परिवार मंगल ही मंगल रहे। कितने दिनों पहले सब लोग तैयारी करते हैं? हम लोग तो महीना दिन पहले से तैयारी करते हैं कि हमारे यहाँ जो है शिवरात्रि है सर सफाई शुरू कर देते हैं, अपने जनरेटर अपना मंदिर सजाने का काम करना शुरू कर देते हैं तो, और इसमें हमारी समिति भी है तो समिति भी इसमें लग जाती है, सारे लोग करते हैं। हमारा परिचय भावनाथ मंदिर नया बाजार सिवान श्री सुमन पाठक जी। बस पूजा करने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व एक साल पे आता है, महाशिवरात्रि है आज का दिन बहुत महत्व माना जाता है। कितने दिनों पहले से आप लोग इस त्यौहार का इंतजार करते हैं? बस एक साल से ही इंतजार करते हैं कि फिर आएगा। पिछले साल तो कोरोना से कोरोना था, इसके वजह से मंदिर पर लोग नहीं जा पाए जी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद काफी श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा हुआ मंदिर परिसर में। बोलिए आप कुछ। कैसा लग रहा है मंदिर पाएंगे तो? बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले साल कोरोना के चलते हम लोग नहीं आ पाए तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन इस साल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तलवारा मोड़, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। रीना देवी महाराणा हीरो पीछे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत टाइम के बाद आए लोग पूजा करने के लिए। क्या सॉरी? हाँ बहुत बहुत टाइम के बाद आए। हाँ बहुत से प्रॉब्लम कर सी कोरोना की वजह से। सॉरी, अच्छा फील हो रहा है बट सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे पूजा करना बट पॉसिबल नहीं है देख करके। बहुत हमारे पूरे एरिया से तो आए हैं, मैं भी और जगह से भी आए होंगे। मैं तलवारा मोड़ से आई हूँ। क्या नाम है आपका? कांति कुमारी। हम लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं भवनाथ मंदिर में शिव जी की पूजा करने। कहाँ कहाँ से लोग अभी आए हैं इस मंदिर? अभी तो पूरे मोहल्ले के आए हुए हैं यहाँ पे। किस तरह से लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। नहीं आए थे? हाँ नहीं आए थे पिछले साल। अगर बहुत अच्छा लगा। अपना पर्ची बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद बैंक के पीछे से। इलाहाबाद बैंक के पीछे से आए थे। बहुत भीड़ है लेकिन सुबह से ही आ रहे हैं, सुबह से ही भीड़ देख कर आदमी का मन घबरा रहा है लेकिन फिर भी उसी में आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा श्रद्धा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सफाई सब है बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, सब बहुत दूर पूरा टाउन से आते हैं, हमको तो ज़्यादा पता नहीं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। हम साक्षी नाम है, बगल के है।